ओम शांति। आज 11 दिसंबर की मुरली है। आइए सुनते हैं बाबा के मीठे मीठे महावाक्यों को। मीठे बच्चे, तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाले सतगुरु के बच्चे गुरु हो। तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। प्रश्न है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने की विधि और उसका गायन क्या है? उत्तर है, सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। इस पर ही राजा जनक का मिसाल गाया हुआ है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। गीत है, यह वक्त जा रहा है। ओम शांति। बाप आते हैं सबको सेकंड में जीवन मुक्ति देने। गायन भी है सबका सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता एक है। एक सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कहते हैं? जैसे राजा जनक का मिसाल है, उनका नाम जनक था परंतु भविष्य में वही अनुजनक बनता है। जनक के लिए कहते हैं कि उन्हें एक सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, लेकिन जीवन मुक्ति तो सत्ययुग सरिता में कहेंगे। गुरुलोक कान में मंत्र देते हैं, उसे वशीकरण मंत्र भी कहते हैं। वे तो सब मंत्र देते हैं, लेकिन तुम्हें मिलता है महामंत्र, जीवन मुक्ति का मंत्र। यह मंत्र कौन देते हैं? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। उन्हें यह मंत्र कहाँ से मिला? उस सतगुरु से। सर्वोत्तम तो एक ही बाप है, फिर तुम बच्चे सर्वोत्तम बनते हो। उनमें सर्वोत्तम गुरु होते हैं, तुम भी सतगुरु के बच्चे गुरु हो। गीता सुनाने वाले को भी गुरु कहा जाता है, नंबरवार तो होते ही हैं। तुम भी सत बोलने वाले गुरु हो। तुम कभी ईश्वर के बारे में झूठ नहीं बोलते हो। पहले पहले तो तुम पवित्रता के ऊपर ही समझाते हो कि पाप से प्रतिज्ञा करो, हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। झूठ आदि न बोलना यह तो कॉमन बात है, झूठ तो बहुतों से निकलती रहती है, पर यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ है पवित्रता की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते इस अंतिम जन्म में हम बाप से प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे, तो यहाँ पवित्र रहने की बात है। कहेंगे यह तो बहुत ऊंच मंजिल है, यह तो हो नहीं सकता। तुम कहेंगे वाह क्यों नहीं हो सकता, यह तो गाया हुआ है। कमल फूल समान यह दृष्टांत शास्त्रों में लिखा हुआ है, जरूर बाप ने ही ऐसी शिक्षा दी है। है भी भगवानुवाच या ब्राह्मणोवाच? भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। यह बात तुम्हें सबको समझानी है। मूल बात है पवित्रता की। कमल फूल समान पवित्र बनना है जनक में से, वही जनक फिर अनुजनक बना। जैसे राधे अनुराधे बनती है, कोई का नाम नारायण है तो भविष्य में अनु नारायण बनता है। यह एक्यूरेट बात है, तो जो भी आते हैं उनको समझाना पड़े। सुना तो है सेकंड में जीवन मुक्ति, गृहस्थ व्यवहार में रहते ऊंच पद पाया जा सकता है। हम अनुभव से कहते हैं, गपोड़ा नहीं मारते हैं। भगवान उवाच, मुख्य बात समझानी है। भगवान सबका बाप है, जरूर जीवन मुक्ति दाता भी वही है। यह है प्रवृत्ति मार्ग। सन्यासियों का तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह कभी राजयोग सिखला नहीं सकते। वह तो घर बार छोड़ भागने वाले हैं, वो यह ज्ञान दे नहीं सकते। यह है राजयोग। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। सत्युग में भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, वॉइसलेस दुनिया थी। राजाई में स्त्री पुरुष दोनों चाहिए तो समझाना पड़ता है। हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्र बन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बनते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब तो अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, वह श्रेष्ठाचारी दुनिया थी। रावण भ्रष्टाचारी बनाते हैं, राम श्रेष्ठाचारी बनाते हैं, आधा कल्प रावण राज्य चलता है।
भ्रष्टाचारी दुनिया में भक्ति मार्ग है। दान पुण्य आदि करते रहते हैं क्योंकि भ्रष्टाचार है। समझते हैं मनुष्य, जितना भक्ति दान पुण्य करेंगे तो फिर भगवान मिलेगा। भगवान की भक्ति करते हैं, कहते हैं कि आकर हमको श्रेष्ठ बनाओ। भारत श्रेष्टाचारी था, अभी नहीं है। भ्रष्टाचारी ही श्रेष्टाचारी बनते हैं। भारत की नई रचना की कहानी कोई जानते ही नहीं। चित्रों के द्वारा अच्छी तरह समझाया जा सकता है। ऐसे ऐसे चित्र बनाने पड़ेंगे, हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, भल लिख दें कि चित्र हमारे पास नहीं है तो बाबा डायरेक्शन देंगे, यह बनाओ फिर सबको भेजो तो सबके पास प्रदर्शनी हो जाएगी। यह चित्र बहुत अर्थ सहित है। पहले पहले यह बुद्धि में आना चाहिए कि हम बाप के बच्चे हैं। भगवान है स्वर्ग रचने वाला, नरक का रचयिता है रावण। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो, स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं। यह राम राज्य, यह रावण राज्य, इसमें रावण सर्वव्यापी है। वहां हम राम सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकार। फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल, तो जरूर वह आएगा ना। यह हिसाब कोई भी जानते नहीं है। पहले पहले अलग हुई हैं देवी देवताओं की आत्माएं। यह नॉलेज है, कोई को भी समझाना है। आत्माओं का बाप तो है ना। अब हे आत्मा, अपने परमपिता परमात्मा का ऑक्यूपेशन बताओ, क्या नहीं जानते हो? ऐसा बच्चा तो होता नहीं जो बाप के ऑक्यूपेशन को नहीं जानता हो। बाप ऐसे समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं समझाता हूँ। पहले पहले जो देवी देवता हैं वह इतने जन्म लेते हैं, तो हिसाब करो दूसरे धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, सिद्ध कर बताना पड़े। मैक्सिमम इतने हैं, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। पहले पहले देवी देवता थे, उन्होंने ही 84 जन्म कहे जाते हैं। भारत की नॉलेज है ना, प्राचीन भारत की नॉलेज किसने दी? यह भगवान ने ही दी है। नॉलेजफुल गॉड फादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। यह समझने की बड़ी ही क्लियर नॉलेज है। भगवान तो सबका एक ही निराकार परमपिता परमात्मा है, वह है रचयिता। श्री कृष्ण तो है रचना। ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है ना, सर्वव्यापी उनको कह नहीं सकते। भारत में ऊंचते ऊंच प्रेसिडेंट फिर नंबर वार और हैं। सबका ऑक्यूपेशन बताएंगे? ऐसे तो नहीं सब एक ही हैं। हर एक आत्मा को विनाशी पाठ मिला हुआ है, यह सिद्ध करना है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, वह नाम रूप में फंसा होगा, तो यह काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए। रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबर वार हैं। मनुष्य कहते हैं यह व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए। अब व्यास तो भगवान हो नहीं सकता। वास्तव में धर्म के शास्त्र हैं ही 4। भारत का धर्म शास्त्र तो है ही 1, माई बाप गीता। वर्षा उनसे ही मिलता है, माँ द्वारा बाप से वर्षा मिलता है। गीता माता का बाप है रचता, तो गीता द्वारा ही बाप ने प्राचीन सहज राज्यों की नॉलेज दी है। गीता तो भारत खंड का शास्त्र है, फिर इस्लामी का धर्म शास्त्र अपना है, बुद्ध का अपना है, क्रिश्चियन का अपना है। गीता तो है सबका माई बाप, बाकी शास्त्र हैं बाल बच्चे, वह बाद में निकले हैं। बाकी इतने वेद उपनिषद आदि यह सब किस धर्म के हैं, यह मालूम तो होना चाहिए कि यह किसने उच्चारे, उससे कौन सा धर्म निकला। कोई धर्म तो है नहीं। पहले तो सिद्ध करना है कि गीता खंडन की हुई है, बाप के बदले बच्चे का नाम दे दिया। चरित्र तो सबका अलग अलग है। बाप कहते हैं सर्वधर्मानि परित्यज मामेकम, याद करो। परमात्मा आत्माओं को कहते हैं तुम अशरीरी बनो, मेरे को याद करो। अशरीरी बाप ही यह कह सकते हैं, सन्यासी तो कह नहीं सकते। यह गीता के अक्षर हैं। सब धर्म वालों को कहते हैं अशरीरी भव,
अभी नाटक पूरा होता है, सबको मंत्र मिलता है कि देह सहित देह के सब संबंध त्याग मामेकम याद करो तो तुम मेरे पास आ जाएंगे। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति है जरूर, पद जीवन मुक्ति का है वाया मुक्ति। जो भी आते हैं सतो रजो तमो से पास करते हैं, समझाने कितनी अच्छी है, परंतु बच्चे एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देते हैं, वैसे है बहुत सहज। तुम जगह जगह पर प्रदर्शनी करो, अखबारों में भी पड़ जाए खर्चा कर सकते हो, भल सब सुने अखबार में तो जरूर डालना है। बच्चों को बड़ा नशा रहना चाहिए, बाकी टाइम बहुत थोड़ा बचा है। अतिंद्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, गाया हुआ है यह गोपी वल्लभ के गोप गोपियां हैं। गोप गोपियां न सत्युग में न कलयुग में होते हैं, वहां लक्ष्मी देवी राधे देवी हैं। गोप गोपियां अभी हैं, गोपी वल्लभ के बच्चे पोत्रे पोत्रियां हैं, जरूर दादा भी होगा। दादा बाबा और मम्मा, यह नई रचना हुई है संगम पर। बाप कहते हैं मैं कल्प कल खुलप के संगम युगे आता हूँ नई दुनिया बनाने। आसुरी संतान से तुम ईश्वरीय संतान बने हो, फिर बनेंगे दैवी संतान, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र संतान बनेंगे 84 जन्मों में। फिर साथ साथ वृद्धि भी होती रहती है, झाड़ भी पूरा कंप्लीट चाहिए, प्रलय भी नहीं होती है। भारत अविनाशी खंड है, भारत की बहुत महिमा करनी है। भारत सब खंडों में श्रेष्ठ है, विनाश कभी नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। दिल से कहो मेरा बाबा, मीठा बाबा प्यारा बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। रात्रि क्लास 16-4-68। तुम ब्राह्मण बच्चों बगैर किसको भी यह पता नहीं है कि संगम युग कब होता है। इस कल्प के संगम युग की महिमा बहुत है। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सत्युग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। है भी मनुष्य, उनमें कोई कनिष्ठ कोई उत्तम है, उनके आगे महिमा गाते हैं। आप पुरुषोत्तम हो, हम कनिष्ठ हैं, आप ही बताते हैं मैं ऐसे हूँ ऐसे हूँ। अभी इस पुरुषोत्तम संगम योग को तुम ब्राह्मण बिगर कोई भी नहीं जानते, इनकी एडवर्टाइज कैसे करें जो मनुष्यों को पता पड़े। संगम योग पर भगवान ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। तुम जानते हो हम राजयोग सीख रहे हैं, अभी ऐसी क्या युक्ति रचें जो मनुष्यों को मालूम पड़े। परंतु होगा धीरे, अभी समय पड़ा है, बहुत गई थोड़ी रही। हम कहते हैं तो मनुष्य जल्दी पुरुषार्थ करे, नहीं तो ज्ञान सेकंड में मिलता है, जिससे तुम उसी समय सेकंड में जीवन मुक्ति पालेंगे। परंतु तुम्हारे सिर पर आधा कल्प के पाप है, वह थोड़े ही सेकंड में कटेंगे, इसमें तो टाइम लगता है। मनुष्य समझते हैं अभी तो समय पड़ा है, अभी हम ब्रह्मा कुमारियों पास क्यों जाएं, लिटरेचर से उल्टा भी उठा लेते हैं, तकदीर में नहीं है तो उल्टा उठा लेते हैं। तुम समझते हो यह पुरुषोत्तम बढ़ने का युग है, हीरे जैसा गायन है ना, फिर कम हो जाता है, गोल्डन एज सिल्वर एज, यह संगम युग है डायमंड एज, सत्युग है गोल्डन एज, यह तुम जानते हो। स्वर्ग से भी यह संगम अच्छा है, हीरे जैसा जन्म है, अमर लोक का गायन है ना, फिर कम होता जाता है, तो यह भी लिख सकते हो पुरुषोत्तम संगम युग है डायमंड, सत्युग है बरेता है सिल्वर। यह भी तुम समझा सकते हो, संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं, 8 रत्न बनाते हैं ना, तो डायमंड को बीच में रखा जाता है, संगम का शो होता है। संगम युग है ही हीरे जैसा, हीरे का मान संगम युग पर है। योग आदि सिखलाते हैं जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं, परंतु स्पिरिचुअल तो फादर ही है, रूहानी फादर और रूहानी नॉलेज संगम पर ही मिलती है। मनुष्य जिनमें देह अहंकार है वह इतना जल्दी कैसे मानेंगे। गरीब आदि को समझाया जाता है तो यह भी लिखना है, संगम युग इज डायमंड, उनकी आयु इतनी, सत्यो गोल्डन एज तो उनकी आयु इतनी। शास्त्रों में भी स्वास्तिका निकालते हैं, तो तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहे। स्टूडेंट्स को खुशी होती है ना,
स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, यह तो सोर्स ऑफ इनकम है, यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला, देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है, तो अथाह खुशी होनी चाहिए, इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो, टीचर अंत तक पढ़ाते हैं तो उनको अंत तक याद करना चाहिए, भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे, पुकारते भी हैं लिबरेटर गाइड, दुख से छुड़ाओ, सत्युग में दुख होता ही नहीं, कहते हैं विश्व में शांति हो, बोलो आगे थी कब, वह कौन सा युग था, किसको पता नहीं है, राम राज्य सत्युग, रावण राज्य कलयुग, यह तो जानते हो ना, बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए, बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप, बेहद की बादशाही देने वाला मिला और क्या अनुभव सुनाऊं, और कोई बात ही नहीं, इस जैसी खुशी और कोई होती ही नहीं, कोई को भी किसी से रूठकर वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए, यह जैसे अपनी तकदीर से रूठना है, पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेंगे, बाप को पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए, यह है माया, यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते हैं ना, अच्छा मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड नाइट रूहानी बच्चों को, रूहानी बाप की नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बाप जो सुनाते हैं वह एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, ज्ञान के नशे में रह अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। नंबर दो, सभी को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार देने के लिए यही महामंत्र सुनाना है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बाप को याद करो। वरदान है क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। जितनी बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ कर सकेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसे समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन है, ज्ञान सूर्य बाप के साथ, लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। ज्ञान सूर्य बाप के साथ, लकी सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।